क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्या कह रहा है, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक अनुपात यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम लोग पढ़े हुए फॉर्मूला, अगर दिक अनुपात यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि दो रेखाओं के दिक अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 है, तो यहाँ कोण जो हो जाएगा उनके बीच का cos theta इक्वल टू, मैंने बता रखा है आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और बाई में रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग यहाँ दिक अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है दो रेखाओं के दिक अनुपात क्रमशः A B C और B-C C-A A-B है। तो यहां से हम लोग cos थीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं A into में B-C plus B into में C-A plus C into में A-B, ठीक है। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर A² + B² + C² और इंटू में रूट अंडर B-C² + C-A² + A-B² चलिए cos थीटा इक्वल टू में देखिए यहाँ AB-CA या AC भी लिख सकते हैं +BC-AB + CA - BC, और बाई में यहाँ है आपका रूट अंडर A² + B² + C² और यहाँ रूट अंडर B-C² + C-A² + A-B². चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू देखिए यहाँ AB कट जाएगा, CA कट जाएगा, BC कट जाएगा, 0/ रूट अंडर A² + B² + C² और यहाँ रूट अंडर B-C² + C-A² + A-B². चलिए तो 0 में से भाग होगा तो 0 हो जाएगा, यानी cos थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब कि थीटा क्या हो जाएगा आपका π/2, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी मध्य का कोण 90 डिग्री आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन